अरे ये तो अनबिलीव है, इसका तो एक्स भी यहाँ पर था। ओह माय गॉड, शादी के बाद भी अफेयर चला रही है। हेलो अंदलीप, इस टाइम पे कैसे फोन किया? मुझे यहाँ पे नहीं पढ़ना है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, आप बस जल्दी से गाड़ी भेज दें। हुआ क्या है बताओ तो सही। मुझे नहीं बताना है, आप गाड़ी भेज रहे हैं या मैं रिक्शा लेकर आ जाऊँ? अच्छा भिजवाता हूँ किसी को। बाय। वाओ मोइस, तुम भी यहाँ और अंदलीप भी यहाँ, अब चुप चुप के यहाँ मिलोगे क्या? ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है ज़ैनब, उसकी शादी हो गई है और खुदा के लिए उसके सामने ऐसी बातें मत करना। हाँ ड्रामे लगा रहा है। कहाँ मामा बैठा है ना? हाँ तो इनको दे दें, हम ये सर्व कर देंगे अंदर वाली कैंटीन में। ओके खुदा हाफिज। स्वीट क्या देख रही? कुछ नहीं यार, प्लीज छुट्टी लो ना, कहीं चले ना घूमने प्लीज। हाँ चलते हैं। मिल जाएगी? ट्राई करूंगी, मिल जाएगी। एक सेकेंड, आज तो तुम्हारा अपॉइंटमेंट नहीं है। कौन सा अपॉइंटमेंट? तुम्हारा साइकियाट्रिस्ट का अपॉइंटमेंट। ओह अच्छा, मैं समझा पता नहीं कैसा अपॉइंटमेंट की बात कर रही हो। मेरी बात सुनो, 3:15 तक निकल जाना। अभी चला जाओ? नहीं कम, प्लीज खाना खिला दो पहले, बहुत भूख लग रही है। आई नो आ जाओ। अंदलीप देखो तुम भी आ, मैं भी आ, कितने इत्तेफाक की बात है, हम दोनों फिर से साथ हैं। अच्छा सुनो, वो लड़कियों ने तो पता नहीं क्या क्या अज्यूम किया हुआ था, तुमने फिक्र नहीं करनी, लेकिन मैंने उनको सब समझा दिया। जैसे पहले समझाया था क्या? यही कि अंदलीप आए तो उसे तंग करना ताकि मैं हीरो बन सकूं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज के बाद मेरे सामने ऐसी ओछी हरकतें मत कर। तुम मुझे ऐसा समझते हो? मैं तुम्हें अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हें क्या लगा तुम इस तरह की बातें करोगे और मैं इंप्रेस हो जाऊंगी? कितनी अजीब सी बात है ना, तुमने मेरे लिए खुद को नहीं मारा लेकिन फिर भी मेरे लिए तुम मर गए। आज के बाद मेरे सामने हीरो मत बनना। अंदलीप मिसेस नुमैन, आज के बाद ये बात भूलना नहीं।